नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली साहब, जुड़ चुके वाइस एमपी से। वाइस एमपी की टीम जनपद चुनाव को लेकर आज सुबह से ये टीम जो है यहाँ मौजूद मुस्तैद है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने जनपद सदस्य बिठाने के लिए पूरा पुरजोर दम खम लगा दिया है, पूरी ताकत झोंक दी है। प्रशासन की बात करें, बाउंसर की बात करें तो, और जनता हजूम का हजूम उमड़ावा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो सीधे सरल तरीके से कांग्रेस जो है आई और अपना नामांकन दाखिल किया है। ज़्यादा जानकारी के हमारे साथ बात करने के लिए जो हमारे साथ सुबह से यहाँ टीम मौजूद है, अब्दुल अली रानी हमारे सिटी रिपोर्टर, उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है। अबू भाई, जिस तरह का माहौल आप भी सुबह से देख रहे हो, हम साथ में हैं, जिस तरह का माहौल है, क्या कहेंगे आप? देखो, सुबह से माहौल देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने सदस्य थे उन सदस्यों को एक साथ रख रखा था, एक जगह पे कर एक तरह से किलेबंदी वाली स्थिति एक साथ रख रखा था। उसके बाद जब फॉर्म भरने का समय आया तो सभी सदस्यों को एक साथ ले जाया गया। वहीं पे कांग्रेस के जो सदस्य है उनको खुली छूट दी गई थी, वो अपने आराम से आए, आराम से फॉर्म भर के गए। जिस पर कांग्रेस के नेताओं ने ये भी कहा कि हम लोगों ने प्रजातांत्रिक रवैया अपनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं शासन का, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग तक का आरोप लगाया और ये कहा कि कहीं ना कहीं इनको दबाव में रखकर पूरी तरह से लाया जा रहा है। दूसरी बात, अभी आप देखेंगे कि 12:30 बजे तक लोगों के फॉर्म भरे जा चुके हैं और 12:30 से 1 बजे तक फॉर्म वापसी का समय दिया गया है। उसके थोड़ी देर बाद, जहाँ तक उम्मीद है कि 2 बजे तक स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी कि कौन जनपद के लिए अध्यक्ष चुना जाएगा, सबके सामने हो जाएगी। अभी जनता का भारी हुजूम हम लोग देख रहे हैं कि जनपद कार्यालय के बाहर मौजूद है। लोगों में काफ़ी गहमागहमी है, उत्सुकता का माहौल है, लोग परिणाम जानने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं और ये सारी स्थिति मुश्ताक साहब 2 बजे तक क्लियर हो जाएगी। हमने बात करी जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करी, कांग्रेस के लोगों से बात करी, तो जब हमने भारतीय जनता पार्टी से तालाबंदी के लिए बंदे की बात की तो वो साफ नकारते नजर आए, कहीं ना कहीं क्या कहना है आपका? जबकि कांग्रेस का साफ आरोप है कि उनको दबाव बना के, उनको प्रशासनिक मतलब उनको दबाव बना के रख रखा था, उनको परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा, क्या कहेंगे आप इसको? ये स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर इनकार कर रही है और वो ये कह रही है कि हम लोगों का संगठन का एक तौर तरीका है, हम लोग एक संगठन में एक साथ रह रहे हैं, परिवार के रूप में रह रहे हैं। लेकिन जो चीज़ है, वस्तुस्थिति, वो स्पष्ट सबके सामने नजर आ रही है। अभी ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, जीत के बाद भी ये बातें कही जाएगी, दोषारोपण की बातें होगी, लेकिन जनता भी देख रही है, सारी बातें सामने हैं और परिणाम के बाद सारी चीज़ें सामान्य हो जाएगी। हमारे साथ अब्दुल ईरानी जो हमारे सिटी रिपोर्टर है, जिनको सुबह से जो है जनपद कार्यालय के बाहर पूरी तरह से